प्यारे छात्रों, आइए, कविता हमसे कुछ कहना चाहती हैं और सफदर हाशमी जी ने कविता के जज्बात को जब गुनगुनाया है और उससे कविता के जज्बात, किताबों के जज्बात, सफदर हाशमी जी के जज्बात जो हमारे सामने आए, अब हम उसको सरल और आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, सारांश देखते हैं इस किताब का। बहुत ही ध्यानपूर्वक आपने कविता को सुना, किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं किताबों की बातों को आपने सुना। अब हम उसको बहुत ही आसान, बहुत ही सरल आपके सामने पेश करते हैं कि किताबें हमसे क्या बातें करती हैं, किताबें हमसे क्या कहना चाहती हैं, किताबें हमसे बातें करती हैं, वो कल की बातें करती हैं, किताबें आज की बातें करती हैं, किताबें फूलों की बातें करती हैं, किताबें बम की बातें करती हैं, किताबें इंसानों से बातें करती हैं। क्या आप नहीं सुनोगे? किताबें कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। कवि सफदर जी बहुत अच्छे अंदाज से ये किताबों की बातें, ये किताबों की जज्बात हमारे सामने रखते हैं और आप भी बड़े ध्यानपूर्वक छात्रों उसको सुन रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ, ये सुनने के बाद आप घर जाकर एक बार किताबों से ज़रूर बातें करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी बैठे बैठे आपके मन में ये बात आ रही होगी कि मैं घर जाकर किताबों से बातें करूंगा, किताबों से बातें करूंगी। तो छात्रों, किताबें हमसे कहती हैं कि मैं किताबों के अंदर चिड़ियों की चहचहाट हैं, किताबों के अंदर झरनों की झनझनाहट हैं, गुनगुनाहट हैं, किताबों के अंदर सुंदर परियों की कहानी है, किताबों के अंदर इंसानों के एहसास की तफसीर है, किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि किताबों में साइंस की आवाज़ है, किताबों में ज्ञान का भंडार है, किताबों में हर वो बात जो इंसान को ज़िंदगी में लगने वाली हैं वो किताबों में सब है। किताबें हमसे कह रही हैं, क्या तुम उसको नहीं सुनना चाहोगे? मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। किताबें हमसे कहती है कि मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। सफदर जी, सफदर हाशमी जी ने किताबों के जज्बात हमारे सामने बहुत अच्छी तरीके से रखा और आपने पूरा ध्यानपूर्वक सुना। अब मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से ये किताबों की बातें तुम तक पहुँच चुकी है। अब इसको हम देखते हैं और समझने की, घर जाकर समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे छात्रों, आपने ध्यानपूर्वक सुना और यही हाशमी जी का धैर्य था, मकसद था।